हाय एवरीवन, आज बात कर लेते हैं जो दिसंबर मंथ में बॉर्न होते हैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये पर्सनालिटी है उनकी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको काफ़ी यूनिक लगेंगी। सबसे पहला तो वो बहुत ज़्यादा ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं, उनको ओपिनियन देना पसंद होता है, उनको काउंसलिंग देना पसंद होता है, उनको एडवाइस देना पसंद होता है। सो उनकी अपनी खुद एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ओपिनियन रहती हैं जिनको वो लाइक करते हैं टू शेयर, टू हेल्प एंड टू कन्वे। सेकेंडली, उनकी बहुत यूनिक जो उनके अंदर क्वालिटी होती है दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स कॉस्मिक एनर्जी, टूवर्ड्स यूनिवर्स, नेचर, एनिमल और प्लांट्स और यू नो ऑल दिस ब्यूटी। और यही रीज़न है जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होते हैं, जितना ज़्यादा वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उनकी जो कनेक्शन है विद ऑल द पीपल आर ऑल्सो टू मच अट्रैक्टिव। मीन्स वो बहुत जल्दी से और लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और वो बहुत जल्दी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। बट हाँ, दे आर वेरी इंडिविजुअल एंड वेरी चूजी। इसी वजह से जो दिसंबर मंथ में बॉर्न होते हैं दे आर वेरी प्रैक्टिकल एज वेल, बहुत रियलिस्टिक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस या फिर मैं बात करूँ तो किसी भी तरीके की इलॉजिकल चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। दे फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग। अगर आपने उनको लॉजिक दिया सो दे विल गोइंग टू बी इम्प्रेस विद यू। दे आर वेरी ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, या दे आर वेरी क्रिएटिव। वो बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं और वो कुछ इस तरीके की चीज़ों को इमेजिन करते हैं जो बहुत ही अनकॉमन होती है या फिर और लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट, बहुत ही डिफरेंट। एंड दिस इज़ द रीज़न जो उनको यूनिक बनाती है। और उनकी जो चॉइसेस होती हैं टू चूज़ द प्रोफेशन और चॉइसेस टू इमेजिन एनीथिंग, जो बहुत ही लंबे समय या फिर लॉन्ग टर्म के विज़न से कनेक्ट होती है, मतलब उनका विज़न बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ अ लीडर। वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में या फिर फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल और लीडर के रूप में देखने को मिलेंगे। सो दिस इज फॉर द दिसंबर। आई होप दिस विल गोना रेजोनेट। आप ज़रूर शेयर करें इस रील को, इस वीडियो को, जो भी दिसंबर मंथ में बॉर्न होते हैं। बाय।